राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं, तीन छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? खुद मम्मी खाती देके मेरे लिए चिकन बना। कहां से मिला था? बाल संत अभिनव अरोड़ा का। बाल संत के रूप में चर्चा में आए अभिनव अरोड़ा पर बाल संत। दोस्तों, इस मोटे बाबा को तो आप जानते ही होंगे, दरअसल बार बार कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर फर्क नहीं पड़ता तो जिन सात यूट्यूबरों ने इसकी सारी कुंडली खोली उन यूट्यूबरों पर इसने FIR क्यों करा रखी है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पहले इनको फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन जब से ओनली देसी करके चैनल ने इनकी पूरी कुंडली खोली है, इनका पोल खोला है, और जब से राम भद्राचार्य जी ने इसे मंच से उतारा है और फिर इसको सबसे मूर्ख बालक बताया है, तब से इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे साले, खैर अगर फिर भी फर्क इसको अचानक नहीं पड़ रहा है तो इस वीडियो में आगे इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाल संत के नाम से फेमस 10 वर्षीय अभिनव अरोड़ा। बाल संत अभिनव अरोड़ा का। बाल संत के रूप में चर्चा में आए अभिनव अरोड़ा पर बाल संत। दोस्तों, पहले तो गोदी मीडिया को इसे संत महात्मा कहना बंद कर देना चाहिए। बाल संत अभिनव अरोड़ा, क्योंकि इसे संत की उपाधि देना शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर फिर भी गोदी मीडिया इसे संत महात्मा बता रही है तो मुझे लग रहा है कि गोदी मीडिया को संत की परिभाषा पता नहीं है, या फिर जानबूझकर राम भद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जैसे संतों का अपमान करने के लिए गोदी मीडिया इसे संत की उपाधि दे रही है। क्योंकि मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि संत उसे कहते हैं जो सच्चा विचार रखता हो, जो सच्चाई का आचरण धारण करता हो। संत वो है जिसका आत्मज्ञान प्रबल होता है, जो आत्मज्ञानी होता है। लेकिन ये तो ना सच बोलता है, क्योंकि इससे पहले इससे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप मोबाइल चलाते हो, तो इसने कहा ना मैं तो मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाता हूँ। और इससे पहले जब एक मीडिया वाले ने इससे ये भी पूछा था कि आप मांस मछली खाते हो, इसने कहा ना मैं तो खाता ही नहीं और आपको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मांस मछली खाता है वो कीड़े मकोड़ों का जन्म लेता है। लेकिन इसकी जब एक पुरानी वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें खुद कह रहा है कि मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती लेकिन फिर भी मेरे लिए चिकन बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। तो ये सच भी नहीं बोलता। और बात रही आत्मज्ञान की, तो इसके पास अपना कोई भी आत्मज्ञान नहीं है, ये वही घिसी पिसी कहानियाँ तोतों की तरह रटाई हुई बातें बोलता रहता है। यदि कोई कड़ा सवाल पूछ दो तो बाप बोलता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस, और ये भी उल्लू की तरह मुंह बाकर ताकने लगता है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं, तीन छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है, कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। तो जब इसका आत्मज्ञान ही नहीं है, ये सच बोलता ही नहीं है, तो फिर इसे संत महात्मा बोलना कहाँ से शोभा देता है? खैर, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि हाल फिलहाल में एक मशहूर कथावाचक जया किशोरी जो है एक महंगे बैग के साथ, महंगे शौक के साथ पकड़ी गई हैं। दरअसल ये वही जया किशोरी है जो अपने कथाओं में, अपने गीतों के माध्यम से यह बताती हैं कि ये दुनिया मोह माया है, ये धन दौलत, ये महल अटारी सब मोह माया है, मोह माया से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल जया किशोरी खुद मोह माया के तरफ बढ़ती चली जा रही हैं।
खैर अब जया किशोरी जो है कि सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि हमने कभी कहा ही नहीं, मोहमाया के बारे में हमने कभी बोला ही नहीं। हाँ अब एक दो साल पहले का वीडियो देखोगे तो जया किशोरी के वीडियो में मोहमाया के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन इनका 8-9 साल पुराना जो वीडियो उठा के देखोगे तो खुद गीत के माध्यम से ये कहती हुई नज़र आ रही है कि यह दुनिया, ये धन दौलत, ये महल अटारी, ये सारी चीज़ें जो है ये मोहमाया है, हमारे लिए तो सिर्फ कृष्ण ही प्यारा है, कृष्ण ही हमारा है। खैर अब ये कह रही हैं कि मैं भी आम इंसान हूँ आप ही लोगों की तरह, तो हमारे भी शौक हैं, ठीक है तो हमें ट्रोल करना बंद करो, यदि मैं महंगा खरीदती हूँ तो आप भी जाओ कमाओ और ख़रीदो। चलो ठीक है हम तो कमाएंगे ख़रीदेंगे, लेकिन आपके इतने महंगे शौक़ हैं तो पहले हमें ये बताएं कि आप नौकरी कौन सी करती हैं, इनसे पूछना चाहिए ना कि आप नौकरी कौन सी करती हैं, आपका क्या बिजनेस है, या आपका कोई कंपनी वंपनी है, पैसे कहाँ से आते हैं, क्या व्यापार है? जवाब नहीं है ना, है व्यापार, व्यापार है वो है भगवान, भगवान ही व्यापार है इनका और धर्म ही धंधा है, क्योंकि कथा कहती हैं और कथा क्या है, धर्म, धर्म के नाम पर ये पैसे कमाती हैं। भक्त जो है भगवान के नाम पर इनको पैसे देते हैं और ये पैसे को ले जाकर अपने शौक में उड़ाती हैं। खैर मैं अब अभिनव अरोड़ा पर ही आ जाता हूँ। दोस्तों अब ये व्यक्ति कह रहा है कि लोग मुझे इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं कि मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका एक मैं पुराना पोस्टकास्ट वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये खुद कह रहा है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मैं राधा रानी कहता हूँ, राधे राधे करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और भी जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं बताता हूँ, तो टीचर जो है हमारी वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं, काफ़ी नाराज़ होती हैं और मुझे तो डर लगता है कि कभी वो हमें जो है कि टीसी काट कर ना दे दे, यानी कि इसके स्कूल जाने का कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी इतना ज़्यादा रील बनाता रहता है कि ये शायद ही स्कूल जाता होगा। और इसका मैंने कोई एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें इससे लोग पूछ रहे थे कि अभिनव तुमने टीसी कटवा ली, तो इसने खुद कहा था कि हाँ दोनों हाथ उठा के कि हमने टीसी कटवा ली। खैर वो वीडियो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये जब स्कूल जाता था तो बच्चों को भी डिस्टर्ब करता था जो पढ़ते थे, बाकी टीचरों को तो परेशान करता था क्योंकि ये वहीं वहाँ पर जाने के बाद भी सिर्फ वीडियो बनाता था, राधे राधे करता था, पढ़ता कुछ भी नहीं था, यानी इसके स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर इसको आज स्कूल की चिंता क्यों सताई जा रही है? स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, ये सिर्फ बहाना है लोगों को मतलब चूतिया बनाने का। खैर अब यह भी कह रहा है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो है कि धमकी दी जा रही है, लेकिन यह सोचने वाली बात है यार कि एक तो आफत इसके गले खुद ही पड़ी है, दूसरा भी आफत मोल लेकर सिर्फ पॉपुलरिटी बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सिर्फ फेम कमाने के लिए एक और आफत ले रहा है। मैं पूछता हूँ कि इसको लॉरेंस बिश्नोई क्यों धमकी देगा? ये ना तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कभी बोला है, ना समर्थन में बोला है, ना किसी तरह की कोई बातें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में किया है, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई इसको धमकी क्यों देगा? खैर आपको यह बार बार यह कहता हुआ नज़र आएगा कि कृष्ण जो है हमारे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें छोटे भाई के रूप में भजता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो सुनते हैं, यहाँ तक कि एक वीडियो में इसने ये यहाँ तक भी कह दिया था कि कृष्ण हमें रोज़ मिलते हैं, मैं जो पूछता हूँ वो बताते हैं, कृष्ण हमें दर्शन देते हैं, मैंने उन्हें देखा है। लेकिन जब कृष्ण के बारे में इससे सवाल किया गया तो घंटा भी एक नहीं बता पाया। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? शिव जी ने। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहता है कि रामभद्राचार्य ने मुझे डांट दिया, तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखो भाई, इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता यदि तुम धर्म के नाम पर धंधा करने के लिए फील्ड में ना उतरते। तुम कहते हो कि भगवान मुझे दर्शन देते हैं, यानी कृष्ण जो है हमें दर्शन देते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, मैं पढ़ता हूँ वो सुनते हैं, हमारे साथ सोते हैं। लेकिन जब कृष्ण के बारे में तुमसे कुछ भी पूछा जाता है तो मुँह बाके उल्लू की तरह ताकने लगते हो। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कष्ट हरने वाला। कि आप जया किशोरी पर और इस अभिनव अरोड़ा पर क्या सोचते हैं? क्या ये लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं? और हाँ, यही लोग कर रहे हैं या और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना व्यापार चमकाने में लगे हुए हैं? खैर तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली वीडियो अनिरुद्धाचार्य को लेकर है।